का कथन है व्यर्थ। हो समय चाहिए पालन के लिए तैयार रहना चाहिए। आज कोई विचित्र मात्र भी नहीं कर सकेगा स्थिरता, यह आदेश है मिथिलेश का, कार्य में ही हो शीघ्रता। यद्यपि ये मत समझना कि मैं कला का प्रेमी नहीं हूँ, वैसे द्रौपदी होने के नाते समस्त कलाओं का अनुराग रखता हूँ और उनका संरक्षण करता हूँ, किंतु उनमें आसक्त नहीं, क्योंकि मेरा मन संसारी होकर भी विरागी है। इसलिए प्रिय राजमंत्री एक निर्देश है, नियम संयम का पालन करना होगा, और पालन क्या है आचार्य प्रवर? निर्माणों के पावन युग में हम मानों का सम्मान न भूले, झनकार नहीं है, और यह शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। ये में यदि मानो का
मिथिला के कुशल राजमल दरबार में समीप अति शीघ्र लाया जाए। क्या प्राण मल मल पूज्य तुम्हारे लिए आदेश और आदेश ही नहीं बल्कि निर्देश वो ही श्रवण करे कह पूज बुलवाया है और तुम हो इस मिथिला के तीरथ के तुम पर भारती का भार तुम्हारा जाओ मेरे नाथ प्रसाद से बुद्ध भवन प्रेरण कर भवानी शंकर के अयोजकों को जो खटमंजूषा में विराजमान है उसे किसी भी प्रकार घसीटते हुए इस रंगभूमि पर उपस्थित कर दो। तुम्हारे लिए यही आदेश महाराज सिंहासन को शोभायमान करे आज की आज्ञा का ब्रह्म पालन होगा। सावधान सावधान ये सामने आ रहे ये सभी